हेलो साथियों नमस्कार तो दोस्तों आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं दिवाली बाद हम लोग कई दिन बाद मिल रहे हैं तो आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए नेक्स्ट आई की यह प्रैक्टिस से आर ओ ए आर ओ इन दोनों के ये कंबाइंड टेस्ट सीरीज है साथियों नेक्स्ट आई की ये जो आकलन नाम से एक टेस्ट सीरीज निकाला है नेक्स्ट आई ने यूपी UP, यूपी और यूपी आर ओ ए कंबाइंड टेस्ट सीरीज है ये चौबीस टेस्ट सीरीज है साथियों इसमें और इस चौबीस टेस्ट सीरीज का ये पहला है और बड़ी बात ये साथियों ये इसमें आंसर की भी दिया है और एक्सप्लेनेशन भी दिया है तो मैं इसका अगर आप लोग इसे अपने एक बार फिर से रिवीजन करना चाहते हैं या अपने मन से आपकी तैयारी बहुत अच्छी है आप अपने मन से इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को डाल दूंगा और आप लोग यहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से एक बार प्रैक्टिस करिएगा वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से अच्छे से अच्छे उसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी सूचनाएं आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे क्योंकि इसमें साथियों की भी दिया मैं आपको दिखाऊं इसमें डेढ़ सौ प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है एंसोर की है और उसके साथ हर एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है तो आप लोग पढ़ेंगे इसे तो बहुत सारी जानकारी होगी बहुत सारे तथ्य बहुत सारे जो है कंसेप्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे तो चले साथियों अगर आप लोग पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो हम लोग चलते हैं हम लोग यहाँ से पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं तो देखेंगे हमारा यहाँ जो पहला प्रश्न है वो एसडीजी से संबंधित दे दिया है एसडीजी आप लोग को मैं कई सारे वीडियो में पढ़ा चुका हूं ये एस क्या है सतत विकास लक्ष्य क्या है तो उसी से संबंधित है 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य को घोषित किया गया था जिसमें सत्रह मुख्य सतत विकास लक्ष्य थे और इनमें कहा गया था इन सत्रह मुख्य सतत विकास को सतत विकास को लक्ष्य रखा गया दो तक प्राप्त करने का तो वही सतत विकास एक तरफ सतत विकास लक्ष्य दे दिया है यानी एस दे दिया है और दूसरी तरफ एस का विषय क्या है वो दे दिया है तो हम लोगों ने बताया था साथियों पहला जो हमारा है वो गरीबी खत्म करने का है तो पहला गरीबी खत्म कहाँ है साथियों यहाँ देखें यहाँ गरीबी की समाप्ति यहाँ आ जाएगा और गरीबी खत्म हो जाएगी तो सोचो साथियों क्या होगा हमारी भूखमरी खत्म हो जाएगी जब आदमी गरीब ही नहीं रहा तो भूखमरी कहाँ से आएगी तो दूसरा ये है साथियों भूखमरी खत्म करने से है और तीसरा साथियों जब हमारी भूखमरी खत्म हो जाएगी तो हम लोग स्वास्थ्य हो जाएंगे अच्छा हम लोगों का हेल्थ हो जाएगा तो ये तीसरा जो है हेल्थ संबंधित है तीसरा नहीं दिया है और चौथा एजुकेशन से संबंधित हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम लोग एजुकेशन अच्छा प्राप्त कर लेंगे तो इसी से संबंधित ऐसे ही आप लोग यहां से याद कर लीजिएगा तो देखें पहला हमारा चार पे होना चाहिए और ये दूसरा एक पर होना चाहिए तो पहला चार दूसरा ए सी हमारा आंसर हो जाएगा इसी से हमने एलिमिनेशन से पा लिया और पांचवा तो आपका चला जाएगा ये जो एस डी फाइव है यानी सी वाला ये दो पर चला जाएगा लिंग समानता पे और बचा एक सातवा और स्वच्छ ऊर्जा पे चला जाएगा तो इसी से संबंधित है आप लोग इसे याद कर लीजिएगा हर एक टेस्ट सीरीज में आपको ये प्रश्न में जरूर मिला होगा बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रश्न यहां से जरूर आता है आपको आगे अगर हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ से इसके पी में इसको पढ़ सकते हैं जो बाकी सब लिखा गया है सातवां तो सात तक ये तो यहाँ दे दिया है और बाकी जो यहाँ दे दिया है सत्रह विकास सत्र लक्ष्यों को पढ़िएगा और साथियों यहाँ पर एक बहुत अच्छा फैक्चुअल सवाल है आप लोग देखिएगा यहाँ पर हमसे जो पूछ रहे हैं ये दूसरा वाले में करे हैं संविधान सभा में संविधान सभा में निम्नलिखित में से किन महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया था तो साथियों आप लोगों को मालूम होगा संविधान सभा में कुल पंद्रह महिलाओं ने भाग लिया था उनमें से ये ऊषा मेहता नहीं थे ये तो साथियों जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो ये आप लोग को मालूम होगा ये जो कांग्रेस रेडियो का संचालन कर रही थी तमाम सेनानी स्वतंत्रता सेनानियों को सूचना गुप्त सूचनाएं प्राप्त करवा रही थी तो यही उषा मेहता ये जो है संविधान सभा में नहीं थी इसका मतलब जहां तीन होगा आप उसे एलिमिनेट कर दीजिए आपको उत्तर मिल जाएगा यानी आपका उत्तर बी होना चाहिए यही है साथियों यह दक्षिणायबूस्वामीनाथन लीला राय ये सब थी जो है और यह उषा मेहता नहीं थी तो आपको पता हो जाना चाहिए उषा मेहता नहीं थी तो तीन नहीं था इसका मतलब आपको तीन को इलिमिनेट कर देंगे तो बी आपको उत्तर मिल जाएगा यही अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विभाजन के बाद संविधान सभा में दो सौ प्रतिनिधि थे और उनमें दो सौ निन्यानवे दो सौ उनतीस सदस्य प्रांतों से और देशी रियासतों से सत्तर ये सब तो आप लोग जानते हैं कुल पंद्रह महिलाएं थी सदन में और ये पंद्रह महिलाओं के यहाँ नाम दिया गया है आप लोग इसे स्क्रीन शॉट लेकर आप इसे रख सकते हैं आपको काम देगा यही पंद्रह महिलाएं हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग और यहाँ पर उषा मेहता के बारे में कुछ सूचनाएं दिया गया बाईस वर्षीय छात्रा उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो स्टेशन शुरू किया था ये सब आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से एक बार पीडीएफ से और यहाँ पर फिर आ गया साथियों यहाँ पर हमें देखें मैचिंग वाला सवाल है बहुत अच्छे सवाल होते हैं मैचिंग वाले एक तरफ हमें दिया है सब्जेक्ट यानी विषय वस्तु दे दिया है और दूसरी तरफ हमें दिया है कि यह उसका किस अनुच्छेद से किस आर्टिकल से संबंधित है ये उसे हमें मैच कराना है तो साथियों बहुत अच्छा तो मैच नहीं कराना साथियों बताना है कितना हमारा सही सुमेलित है सॉरी मैं सोचा कि मैचिंग वाला है मैचिंग वाला नहीं है ये तो इसमें बताना है आपको कितना सही मैचिंग इसमें किया है वही उसी को बताना है यहाँ देख रहे हैं ना लिखा है कौन सा सही सुमेलित है उसी को एक तरफ आपको विषय वस्तु और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड आर्टिकल बताना है स्वतंत्रता का अधिकार साथियों इसमें जो दिया है कह रहे हैं कि वो जो है इससे है तो ये गलत हो गया साथी स्वतंत्रता का अधिकार जो है साथियों में अनुच्छेद जो है 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है आपको पता होगा तो 19 से 22 तक है ये इस पे आना चाहिए था तो इस पे दे दिए हैं तो ये गलत हो गया इसका मतलब <clears throat> और धर्म की स्वतंत्रता साथियों अनुच्छेद जो है हमें मालूम है धर्म की स्वतंत्रता पच्चीस से लेकर अट्ठाईस तक है तो यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता दे दिए हैं ये 19 इसका दे दिए तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया अब तो देखते हम लोग क्या करेंगे यहां पर साथियों संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार उनतीस से तीस यस ये बिल्कुल ये सही है और शोषण के विरुद्ध अधिकार तेईस चौबीस है आप लोग को जानते हैं ये दोनों सही है इसका मतलब पहला दूसरा गलत है पहला दूसरा जी, नहीं होना चाहिए विकल्प में तो ये जहां पहला दूसरा हो उसे काट दीजिए बाकी जो बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा डी वाला तो डी आपका उत्तर होगा कि यही तीन चार सही हैं और ये गलत हैं तो आगे देख हम लोग अब अपना आगे देखते हैं क्या है ये चौथा वाले सवाल में चौथे वाले सवाल में दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है तो यहां देखें हम लोग चौथे धन विधेयक से संबंधित सवाल है आप लोग जानते हैं साथियों धन विधेयक से संबंधित क्या होता है कि जो फाइनेंस का लेन देन होता है उससे संबंधित होता है यह अनुच्छेद जो है धन विधेयक संविधान के 110 आर्टिकल 110 के तहत जो है एक प्रकार का कानून है जो भारत की संचित निधि से धन विनियोजन संबंधित है तो यही है धन विधेयक से संबंधित आपको जो कथन दिए कथनों को विचार करके आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही है तो आप लोग पहला जब कथन पढ़ेंगे धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है यस yes, बिल्कुल सही साथियों इन्होंने बिल्कुल सही कहा लोकसभा में सिर्फ धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, धन को कौन करता है, कि धन है? और दूसरा क्या कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया जी बिल्कुल सही है तीसरा में क्या कर रहे हैं लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा चौदह दिन के अंदर लौटाया जाना आवश्यक है यस चौदह दिन के अंदर उसे फैसला देना होगा अगर वो नहीं भी देते हैं तब पर भी माना जाएगा सिर्फ उनकी सहमति जानने के लिए भेजा जाता है तो इसे चौदह दिन से ज्यादा रोकते हैं तो अपने आप पारित माना जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा यानी तीन के तीनों सत्य हैं ये हो जाएगा हमारा एंसर आगे चले हम लोग देखते हैं <clears throat> आगे देखते हैं साथियों क्या है हमारा ये पांचवें सवाल में तो हमारा पांचवा सवाल हो गया चौथा तो हम चलते हैं पांचवें वाले में देखते हैं चौथा हो गया पांचवा क्या है पांचवा में दोस्तों हमसे कह रहे हैं कि नीचे दिए गए वक्तव्य कुछ नीचे वक्तव्य दिए गए हैं एक कथन को एक उन्होंने कथन कहा है और दूसरे को कारण बोले हैं तो कथन कारण वाले सवाल हैं ये कथन हो गया और ये कारण हो गया इन दोनों को अच्छे से हमें पढ़कर बताना है कि कौन सा हमारा सही है चारों विकल्प में से सही उत्तर को देना है अब हम लोग को जो देखते हैं करें भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है यह साथियों बिल्कुल सही क्योंकि न तो ये पूरी तरीके से फेडरल है और न ही यानी न तो संघात्मक पूरी तरीके से है न तो पूरी तरीके से अध्याश अध्यक्षात्मक क्योंकि जैसे अमेरिका में वो अध्यात्मक प्रणाली है वहां पर जो है जो है सारी की सारी एक मतलब अध्यात्मक जहाँ होती है वहां सारी शक्तियां जो है लगभग वो केंद्र के पास होती है तो इसी प्रकार से यह भारत जो है ये अध्यक्षात्मक और ये संघात्मक का मिश्रण है इसलिए इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है ये बात सही है और भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक एकात्मक को ही अध्यक्षात्मक बोला जाता है तो इसी बात को आप लोग जाना करिए तो दोनों बातें सही हैं और यह इसका कारण भी है मतलब जो पहला वाला है मैंने बताया ना पहला अर्धसंघात्मक है क्यों अर्धसंघात्मक है क्योंकि यह न तो पूरी तरीके से संघात्मक है न ही एकात्मक तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा ए हो जाएगा ये हो गया हमारा आंसर एक्सप्लेनेशन जो चीजें लिखी गई है इसको मैंने आपको यही बातें साठ में बता दिया है छठवें में अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों हमारा छठवा जो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उनको स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना हमें मालूम है साथियों झारखंड छत्तीसगढ़ तेलंगाना उत्तराखंड ये सब राज्य जो है कब बने उनको क्रम में बताना है कि सबसे पहले कौन बना उसके बाद कौन बना उसके बाद कौन बना उसके बाद कौन बना एक चीज तो मालूम है साथियों तेलंगाना जो है दो में बना था दो में और बाकी झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड ये सब दो हजार में बने सन दो हजार में तो इसका मतलब ये तेलंगाना सबसे अंत में होना चाहिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप यानी तीन जो है वो सबसे अंत में होना चाहिए तो तीन सबसे अंत में यहाँ है इन्हीं तीनों में है आप पहला को हटा सकते हो पहला को हटा दीजिए तो साथियों सबसे पहले डेट के हिसाब से देखेंगे तो मध्य प्रदेश को काटकर जो है छत्तीसगढ़ बनाया गया था सबसे पहले इसी को लेकिन 2000 में ही झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड को काट मतलब बनाया गया था सन 2000 में लेकिन डेट आगे पीछे थी तो मध्य प्रदेश को काटकर सबसे पहले छत्तीसगढ़ को बनाया गया था तो यानी दूसरा हमारा पहले नंबर पर होना चाहिए यही दूसरा पहले नंबर पर है और कहीं ऐसा नहीं है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा उसके बाद साथियों उत्तर प्रदेश को काटकर जो पहाड़ी जिले हैं तेरह पहाड़ी जिले उसे उत्तराखंड बनाया गया था तो यानी चौथा हमारा जो है ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा और उसके बाद साथियों बिहार को काट कर ये झारखंड बनाया गया था तो ये आ जाएगा ये हमारा ये तीसरे नंबर पर और चौथे तो यही है मैं तेलंगाना बताया ही तो यही है तो यहाँ हो जाएगा आपका पहले जो ये दूसरा वाला हो जाएगा हमारा जो है छत्तीसगढ़ ये दूसरा वाला उसके बाद चौथा फिर पहला फिर तीसरा ये हो जाएगा हमारा आगे देखें हम छठवा का छठवा हो गया हमारा अब सातवा देखते हैं कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें कोंकड़ी मणिपुरी नेपाली भाषा को जोड़कर मतलब नेपाली भाषा को जोड़ा गया था तो हमें मालूम है साथियों ये आठवीं अनुसूची में जो हमारा दिया गया है आठवीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया है जो हमारा मूल संविधान जब बनाया गया था तो उस समय आठवीं सूची में जो है ये चौदह भाषाएं थी वर्तमान समय में इसमें बाईस भाषाएं हो चुकी हैं तो वही जो है अलग अलग जो है संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया सिंधी जोड़ा गया और फिर उसके बाद बोंडो डोगरी ऐसे करके जोड़ा गया फिर जो है इकहत्तरवां संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों इकहत्तरवा संविधान संशोधन उन्नीस सौ बानवे के माध्यम से यह कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया जिसे हम लोग ये शॉर्ट भाषा में याद करने के लिए कौमीने बोलते हैं मणिपुरी नेपाली तो ये कौमीने को कब जोड़ा गया था ये इकहत्तर संविधान संशोधन उन्नीस को ये जोड़ा गया था कोंकड़ी मणिपुरी और नेपाली को आगे देखते हैं यही आपका आंसर होगा सी आगे देखें हम लोग क्या कह रहे हैं तो यहाँ पर वो चीज दिया है जो मैंने बताया इक्कीसवां संविधान संशोधन उन्नीस को जो है पंद्रहवा भाषा सिंधी जोड़ा गया और इकहत्तरवा संविधान संशोधन बानवे के माध्यम से ये संविधान में तीन भाषा जोड़ी गई तो यही सब आपको दिया गया है यहाँ पर ये वाला यहाँ पर दिया है आगे देखें हम लोग आठवें में आठवां क्वेश्चन में जो हमसे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किन राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द कर दिया गया है तो साथियों अगर ऐसे भी सवाल पूछ लिया कितनी पार्टियों को कितने राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो वो आप छह बता देते तो लेकिन आपसे यहां पूछा है ऐसी कितनी राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था लेकिन उसको जो है मानक न पूरा करने की वजह से उसको रद्द कर दिया गया है तो रद्द कितने किया गया साथियों ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी वो पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था लेकिन अब उसको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा से हटा दिया गया एक टीएमसी को और एक जो है दोस्तों ये आपकी जो है सीपीआई सीपीआई दो ठो हैं एक सीपीआई एम एक सीपीआई एम है मार्क्सवादी और एक सीपीआई तो ये जो सीपीआई केवल है इसका भी हटा दिया गया है तो यहां पर जो है आपको जो है एक और चार को हटाया गया है विकल्प नंबर सी हो जाएगा ये एक और चार और शरद पवार की भी पार्टी को हटा दिया गया है राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा से आगे देखें तो किस मामले में यहां पर हमें दिए हैं कि किस मामले में यानी किस केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना तो किस में नहीं माना साथियों हूँ बारू मामले में 1960 में आया था ये इसी में प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग नहीं माना गया और बाकी सब में माना गया था यही विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा <coughs> तो आगे चले हम लोग देखते हैं ये नौवे में ये आठवा तो हमारा ये एक्सप्लेनेशन में भी नवा दे दिया इसलिए कंफ्यूजन हो जा रहा है यहाँ पर भी नवा इसको नहीं लिखना चाहिए एक जगह लिख दिया तो दूसरी बार लिखने क्या मतलब था तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर दे रहा है तो दसवां में हम लोग देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है मालूम है साथियों कर्तव्य कुल ग्यारह है दस पहले से ही था जब जोड़ा गया था इसे और एक तो बाद में जोड़ा गया है कि हर एक माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जो है चौदह वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा अवश्य दिलवाए तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है हमारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है यह सरकार का कर्तव्य है यानी यह डी पी एस पी में है तो विकल्प नंबर यही आपका नहीं है बाकी सब राष्ट्रगान का सम्मान करना प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये सब जो है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स हैं और जबकि डी वाला ये डी पी एस पी नीति निदेशक तत्व है आगे देखें ये जो आया था ये स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट का आधार पर आया था उन्नीस सौ छिहत्तर संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था अनुच्छेद इक्यावन ए में ऐसे ही है पढ़ लीजिएगा आगे देखें हम लोग ग्यारह में जो दिए गए हैं हमें ग्यारह में दोस्तों हमारा क्या है यहाँ पर ग्यारहवे में में जो हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित नीचे कुछ समितियां दी गई हैं उनके गठन कब हुआ उसके अनुसार कालक्रम में हमें सजाना है कि पहले कौन सी समिति बनी उसके बाद कौन सी बनी उसके बाद कौन सी बनी तो साथियों एक चीज तो हमें यहाँ मालूम है जो ये पंचायती से संबंधित एक समितियां सब हैं जो पंचायतों के संबंधित है उसकी सिफारिश के लिए बनी थी तो बलवंत राय मेहता उन्नीस में बनी थी यही सबसे पहले यही बनी थी इसके 20 साल बाद ये अशोक मेहता वाली बनी 1977 में और यहाँ अब लोग हम लोग देखते हैं दो पहले रेपर रह रहना चाहिए तो दो यही इसी दोनों में केवल दो पहले नंबर पर है और बाकी में नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं इसको हटा सकते हैं अब देखें हम लोग दोस्तों ये हो जाएगा और इसके बीस साल बाद ये अशोक मेहता वाली आई थी जस्ट इसके बाद और फिर इसके बाद दोस्तों ये जी के जी वी के राव वाली आई थी ये हो गया तो इसका मतलब हमारा ये सी वाला होगा और यही हमारा सेट बन रहा है और आगे अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या क्वेश्चन है यहाँ पर सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है हमारा जो बलवंत राय मेहता उन्नीस अशोक मेहता जो है इसके 20 साल बाद 77 और ये जी वी के राव पचासी में और एलम सिंह छियासी में और ये गाडगिल समिति अट्ठाई अट्ठासी में ये सब समितियां आई थी पंचायती राज से संबंधित हैं मैं पहले बताया था आगे देखें हम लोग ये आगे क्या है हमारा दोस्तों बारहवें में तो बारहवें में हमें दिए हैं कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसकी प्रस्तावना में शामिल नहीं था तो साथियों हमें मालूम है ये बयालीसवा संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में सपा शब्द जोड़ा गया था समाजवादी अखंडता साथियों प्रस्तावना में शामिल नहीं था तो क्या नहीं था साथियों ये अखंडता नहीं था मैंने बताया ना यही तीनों जोड़ा गया था यानी ये तीनों संविधान के जो है पहले से संविधान के प्रस्तावना में नहीं थे यानी बंधुत्व था संप्रभुता था समानता था अखंडता को बाद में जोड़ा गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा वाला। आगे अगर हम लोग देखें ये तेरह में तेरह में दोस्तों हमसे क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन के अनुसार संसद के कानून के द्वारा निम्नलिखित में से क्या घोषित कर सकती है तो आर्टिकल तीन हमें पता है दोस्तों किसी राज्य को तोड़ना हो जोड़ना हो नए जिले बनाना हो तो उस तरह का जो है एक जो है ये आर्टिकल थ्री के अनुसार होता है तो किसी राज्य किसी देश के विरुद्ध आक्रमण की घोषणा कर सकती है नहीं ये इससे संबंधित नहीं है किसी भी राज्य की सेवाओं में परिवर्तन कर सकती है यस किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा घटा सकती है तो यहाँ पर जो है यस यही सही है ये दोनों सही है तो केवल दो और तीन सत्य है सी वाला हमारा आंसर होगा आगे देखें हम लोग तो हमारा यही सब है आगे देखें हमारा ये चौदह में क्या कह रहे हैं तो जो में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके हमें बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है तो हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला पढ़ रहे हैं तो क्या करें इसमें संसद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है तो संसद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है करे हैं या घटा सकती है तो बात गलत है साथियों अधिकार क्षेत्र को केवल बढ़ा सकती है घटाने का अधिकार संसद को नहीं है तो ये बात हमारी गलत हो गई दोस्तों केवल बढ़ा सकती है घटा नहीं सकती तो ये वाले बात गलत हो गई हमारी तो दूसरा में क्या कह रहे हैं हमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है तो साथियों यस yes, ये दूसरा वाला सही है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है ये बात सही है ये बात हमारा यहाँ पर केवल दो सत्य है यही बी वाला हमारा सही हो जाएगा पहला तो गलत हो गया आगे देखें हम लोग अब पंद्रह में पंद्रह में जो हमसे पूछ रहे हैं राज्य के नीति निदेशक ने सिद्धांत यानी डीपीएसपी का डीपीएसपी के बारे में बात कर रहे हैं डीपीएसपी का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है यह कथन किसके द्वारा था तो साथियों यह डीएन राव का यह कथन था कि डी राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है यानी राज्य सरकार जो होती है राज्य के अधिकारी होते हैं उनके लिए एक तरह का ये ज्ञान देती है डी जैसे फंडामेंटल राइट्स होता है हम नागरिकों को ज्ञान देती है कि क्या करना है क्या अच्छा है उसी तरह से यह सरकार को भी डी एक शैक्षिक महत्व है यानी एक तरह का उनको अच्छा निर्देश देती है क्या हमें करना चाहिए तो ये सी हो जाएगा हमारा पंद्रह का सी यहाँ पर विभिन्न दिया है बातें जो है बी आर अम्बेडकर जी ने नीति तत्वों को बहुत बड़ा मूल्य है इसके बारे में कहा है तो ये सब ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है बी एन राव ने क्या कहा ये सब दिया है हमें तो आलोचना से संबंधित किसने क्या कहा है ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक कर आपको बहुत सारी सूचनाएं यहाँ से मिल जाएंगी तो सोलह में हमें क्या कह रहे हैं तो सोलहवें में हमें जो कह रहे हैं नीति आयोग साथियों पहले मालूम है यही पहले योजना आयोग था 2015 में मोदी जी की सरकार में इसे नीति आयोग कर दिया गया तो नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और विचार करके बताना है कि कौन सा कथन हमारा सत्य है तो चले हम लोग विचार करते हैं और बताते हैं कि कौन सा हमारा सत्य है तो देखें पहला वाला अगर हम लोग यहाँ तो देखें पहला वाला, वाला कह रहे हैं यह एक वैधानिक निकाय है तो यह एक वैधानिक निकाय है विचार करके बताना कौन सा सही है तो यस संवैधानिक नहीं है साथियों एक वैधानिक है संवैधानिक का मतलब यह होता है उसकी चर्चा संविधान में हो तो लेकिन ये नीति आयोग की चर्चा संविधान में किसी आर्टिकल में नहीं है तो एक संवैधानिक तो नहीं हुआ लेकिन यह एक <coughs> एक आदेश के तहत बनाया गया है इसलिए यह वैधानिक निकाय है यस ये बात सही है और दूसरा कह रहे हैं कि यह सरकार का नीति निर्माण थिंक टैंक है यस यह ये थिंक टैंक इसे कहा जाता है सरकार का ये भी सही है और जो है तीसरा कह रहा है खुफिया कार्रवाई इसके अंतर्गत एक संलग्न संगठन है नहीं इसके अंतर्गत ये नहीं है ये सी वाला हमारा तीसरा गलत हो गया तो केवल इसमें हमारा एक और दो सत्य है यही वाला सोलह का ए हो जाएगा हमारा आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर उसके बारे में सब दिया गया है अपना देख लीजिएगा इस पी में तो सत्रह में जो हमें दिया गया है ये सत्रहवें तो जो ये दिया है साथियों ये आर्थिक खुफिया परिषद ये वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली ये कमेटी है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा बार सत्रहवें में जो दिया है कि लोक लेखा समिति के संबंध में कथन विचार कीजिए आपको लोक लेखा समिति के संबंध में कुछ कथन दिया गया है उसी कथन को हमें पढ़ना है और बताना है कि कौन सा हमारा कथन ये सत्य है तो यहाँ पर हम लोग अगर पहला पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि इसका गठन प्रतिवर्ष लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के तहत किया जाता है तो यस बिल्कुल सही सही बात है और दूसरा है समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है नहीं साथियों ये वित्त मंत्री के द्वारा नहीं किया जाता ये गलत हो गया इसमें लोक लेखा के इसमें लोकसभा के पंद्रह सदस्य और राज्यसभा के सात सदस्य यस सदस्यों वाली ये समिति होती है लोक लेखा समिति इसमें लोकसभा के पंद्रह होते हैं और राज्यसभा के जो है वो सात होते हैं तो ये बात सही है पहला तीसरा हमारा सही होना चाहिए ये सी वाला ये सही है आगे देखें हम लोग तो और हम लोग देखें ये क्या है हमारा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो उसमें वित्त मंत्री लिखा था ये लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है आगे देखें अठारह में अठारह में जो हमसे पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है यानी यूटी से संबंधित है तो आठवां आठवां हमारा शासित प्रदेश यानी यूटी से संबंधित है तो बाईस भाग तीन सौ पैंसठ अनुच्छेद है संविधान में उसे संबंधित दिया है तो जो हमारा आठवां भाग है यह यूटी से संबंधित है और जो आप सोचेंगे सर पहला है तो पहला राज्य और शासित तो उसके क्षेत्र से संबंधित है तो आठवां हमारा यूटी से संबंधित है तो अठारह हो गया यहाँ पर सारे भाग के बारे में कुछ लिखा है कौन सा भाग किससे संबंधित है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पहला है और आठवां यहां पर जो लोग कुछ कंफ्यूज होंगे ये संघ यानी यूटी संघ केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित क्षेत्र ये है आगे देखें सारा का दे दिया है यहाँ पर उन्नीस में क्या है हमारा उन्नीस में साथियों जो हमसे पूछ रहे हैं उन्नीस वाले में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का संघी विशेषता नहीं है तो साथियों फेडरल विशेषता कौन सा नहीं है फेडरल में होता है साथियों कि राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा तो एकात्मक में जो होता है दोस्तों जिस जिस राष्ट्र में एकात्मक व्यवस्था होती है यानी उस केंद्र की सारी शक्तियां लगभग जो है मतलब जो उस राष्ट्र की सारी शक्तियां लगभग केंद्र के ही पास होती हैं तो संघीय व्यवस्था का यही मतलब है कि राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा हो तो संघीय विशेषता कौन सा नहीं है तो कौन सा नहीं है साथियों एकीकरण की बात मैंने यही पहले बताया एकीकरण नहीं होना चाहिए शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए जो न्यायपालिका का एकीकरण होता है यानी न्यायपालिका की शक्ति सिर्फ केंद्र के हाथ में रहे तो वो हो जाती है जो है ये एकात्मक हो जाती है संघी नहीं रह जाती तो ये सी वाला हमारा जो है उन्नीस का सी हो जाएगा बाकी सब जो है संघात्मक संघी विशेषता है लिखित संविधान संविधान की कठोरता द्विशदनी विधायिका ये सब संगी विशेषता है सी वाला नहीं है आगे देखें जो है ये हमारा बीस पे चलते हम लोग देखते हैं ये बीसवें वाले में क्या पूछ रहे हैं तो बीसवा वाले में दो हमसे पूछा जा रहा है भारत के संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई है तो भारत के संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी तो साथियों चलैया आयोग विकल्प नंबर डी यही गठित की गई थी अटल बिहारी की अध्यक्षता वाली एनडीए सरकार ने 22 फरवरी सन 2000 को संविधान की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था वेंकट चलैया इसके अध्यक्ष थे आगे अगर हम लोग देखें ये इक्कीस वाले में तो इक्कीस वाले में जो हमसे पूछ रहे हैं दोस्तों ये क्या है कि भारत इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार निम्नलिखित से संबंधित है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार का जो क्षेत्राधिकार निम्नलिखित से संबंधित है किससे संबंधित है तो अंतर सलाहकार का मामला साथियों ऐसे मामले से होता है जिनमें भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च मतलब राय देने से होता है तो ये तो साथियों अंतरराज्य विवाद से संबंधित मामला ये तो नहीं होता है ये तो जब केंद्र राज्य का झगड़ा वाला मामले होते हैं इन सब संबंधित या राज्य राज का झगड़ा हो जाए राज्य केंद्र से हो जाए उस मामले में होता है तो ये जो सलाहकार वाला मामला है सुप्रीम कोर्ट का ये जब कोई राष्ट्रपति को जब सलाह देने वाली बात आती है ऐसे मामले जिनमें भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की राय लेते हैं तो इस मामले में वो सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है आगे देखें हम लोग तो हमारा बाईस वाला में जो कह रहे हैं तो बाईस वाले में कौन सा संयोजन विशेष प्रावधानों और उनसे जुड़े क्षेत्रों का सही पहचान नहीं करता है तो ऐसा कौन सा हमारा ये संयोजन है यानी मैचिंग जो दिया है एक तरफ आर्टिकल और दूसरी तरफ उसका विषय तो कौन सा वो जो है मिसमैच है यानी पहचान नहीं करता है तो दोस्तों हमें मालूम है अनुच्छेद तीन सौ इकहत्तर महाराष्ट्र गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है सही बात है लेकिन हमें गलत को पहचानना है यानी मिस मैचिंग को पकड़ना है तो बी वाला अनुच्छेद तीन सौ इकहत्तर ए जो है नागालैंड से संबंधित है अनुच्छेद तीन सौ इकहत्तर एफ सिक्किम से और दे दिया है अनुच्छेद तीन डी असम से नई साथियों ये जम्मू कश्मीर जैसे हम लोग पढ़े होंगे तीन हट गया वो मतलब एक राष्ट्र दो विधान करता था मतलब जम्मू कश्मीर में वो अपना अलग तरह के संविधान लागू अलग तरह का झंडा लागू करने का अधिकार देता था उसको वो खत्म किया तो यही है यहाँ पर तो डी वाला हमारा ये असम से संबंधित नहीं है ये गलत हो गया यही आपका आंसर होगा देख ले सकते हैं अब आप, लो, आप लोग यहाँ ये यह जो है हमारा जो ये डी वाला था ये यहाँ पर आर्टिकल डी अनुच्छेद तीन सौ इकहत्तर डी ये इसमें कह रहे हैं ये असम से संबंधित था तो ये असम से संबंधित नहीं था दोस्तों ये देख रहे हैं यहां पर आंध्र प्रदेश राज्य तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है तो इससे संबंधित है आगे देखें देखे हम लोग अब तेईस में जो हमसे बात की जा रही है सार और तत्व का सिद्धांत संबंधित है सार और तत्व का सिद्धांत किससे संबंधित है तो मौलिक अधिकार से केंद्र राज्य केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से प्रस्तावना या नीति निदेशक निदेशक सिद्धांत से तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से संबंधित है तो विकल्प नंबर ये आपका बी हो जाएगा यही है यहां देख सकते हैं यहाँ लिखा है सार और तत्व का सैद्धांतिक कानून में इस्तेमाल किए जाने वाला एक गैर ये एक कानूनी सिद्धांत है किसी कानून की वैधता को चुनौती दिए जाने पर उसकी वास्तविक प्रकृति और उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है यही है तो आपका जो उत्तर होगा ये पी वाला हो जाएगा आगे अगर हम लोग देखें यहाँ ये चौबीस वाले में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी तो साथियों ये रमा देवी थी विकल्प नंबर ए ये आप लोग इनके बारे में जानते होंगे यो 1990 तक ये कार्य किया था रमा देवी ने ज्यादा दिन तक नहीं 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक ये कार्य किया था ये रमा देवी ने मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला थी आगे देखें ये 25 में क्या है मैचिंग वाला सवाल है तो मैचिंग वाले सवाल साथियों गलत नहीं होने चाहिए हमारे क्योंकि हमें एक दो भी आता है तो हम उत्तर निकाल ले जाएंगे यहाँ से तो प्रमुख समिति दे दिया है और उससे संबंधित विषय दे दिया गया है यहाँ तो कौन सी समिति किस विषय से संबंधित थी इसको हमें मैच कराकर अपने सेट में उसको बताना है कौन सा सेट हमारा सही है तो देखें तो स्वामीनाथन समिति जो बनी थी साथियों ये स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित थी ये जनसंख्या नीति से संबंधित थी ये आ जाएगा हमारा दो पर और जानकी रमन समिति जो बनी थी दोस्तों वो बनी थी ये जो है जानकी रमन समिति जो बनी थी तो वो बनी थी आपकी यह तीसरे वाले थे यानी प्रतिभूति घोटाला से ये इससे थी और ए वाला हमारा दो पर गया बी वाला तीन पर गया ए वाला दो पर बी वाला तीन पर तो हमारा उत्तर ये सी वाला होना चाहिए यही होगा और सी वाला तो ये चार पर चला जाएगा ये दानते वाला बेरोजगारी अनुमान और एक बचाए सरकारी आयुक्त इसको आप लोग अच्छे से जानते हैं केंद्र राज्य संबंध से संबंधित होता है ये तो बाकी यही सब हमारा सेट हो रहा है सही है तो सी हमारा आंसर होगा यहाँ पर इसको दिया है एक बार आप लोग देख लेंगे सरसरी निगाह से इसको तो छब्बीसवे में हमारा जो दिया है दोस्तों यहाँ पर क्या है छब्बीस वाले में क्वेश्चन नंबर छब्बीस में तो ये दिए हैं जो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का अग्रदूत था तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का अग्रदूत जो था, था दोस्तों वो ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर जी थे विकल्प नंबर डी तो यहाँ पर दिया है संत ज्ञानेश्वर जिन्हें ज्ञानदेव या मौली के नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पर दिया है नाथ परंपरा के तेरहवीं शताब्दी मराठी संत कवि ये मराठी थे दार्शनिक और योगी थे जिनकी रचनाएं ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव मराठी भक्ति आंदोलन में मौलिक ग्रंथ माने जाते हैं ऐसे संबंधित इनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं एक बार पढ़ लीजिएगा इनको तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन कौन थे संत ज्ञानेश्वर मराठी थे महाराष्ट्र के थे तो मराठी होंगे तो सत्रह ये सत्ताइस में क्या है हमारा तो जो सत्ताईस में हमें दिया है दोस्तों काकती वंश को किस वास्तु शिल्प नवाचार का श्रेय दिया जाता है काक्ति वंश दोस्तों इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा को किस वास्तु शिल्प नवाचार का श्रेय दिया जाता है जिसके बाद दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला को एक महत्वपूर्ण रूप को प्रभावित किया है तो गोल आकार का विमान का विकास करना गोलाकार विमान का विकास तो विकल्प नंबर ये हमारा बी हो जाएगा हजार स्तंभों वाला हाल का निर्माण तो इससे संबंधित है इसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग तो मिल जाएगा तो गोलाकार विमान का विकास जो हुआ वो का वंश को एक इनोवेशन का श्रेय दिया जाता है आगे देखें हम लोग अगर तो हमारा हो जाएगा ये अट्ठाईस वाले में अट्ठाईस वाले में हम लोग देखते हैं क्या है औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब कब्जा किया तो अठारह सोलह सो में कब्जा किया विकल्प नंबर ये ए हो जाएगा आपका सोलह सो में औरंगजेब ने, और ने गोलकुंडा पर कब्जा किया था तो यही हो जाएगा आपका और यहाँ पर दक्षिण में अठारह सो सतासी में ये गोलकुंडा और ये सो सो अठारह सो ही दिमाग में बार बार आता है वही हमेशा यूज होता है तो वही आ जाता है सोलह सो सतासी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब्जा किया और छियासी में उसके एक साल पहले बीजापुर पर कब्जा किया था तो आगे देखें हम लोग यहां पर दिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस टैक्स को गुप्त काल में रज्जू कहा जाता था तो रज्जू एक गुप्त काल में रज्जू नाम का एक टैक्स था एक रज्जू का आपको मिलेगा वो मौर्य काल में मिलेगा वो अधिकारी होता था यहां पर रज्जू है तो जो तो नाम का एक टैक्स होता था गुप्त काल में वो क्या था तो भूमि की माप पर जो टैक्स लगाए जाते थे वही थे विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका में यहां पर सारी है, गुप्त काल के दौरान लिए गए कुछ टैक्स जो हैं उससे संबंधित सारे नाम दिए गए हैं इसे आप लोग एक बार धीरे धीरे अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी तो तीस तीस वाले में जो हमें कहा है डीएनए प्रति कृति के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम का प्रयोग किया जाता है तो आप लोग जानते हैं साथियों ये जो डीएनए हमारा डबल शेप में होता है जैसे दो सांप लपेटे हुए हैं इस तरह से इसी तरह से शेप में वो होता है तो यही आपसे पूछ रहा है कि डीएनए की जो कॉपी है तो डीएनए की प्रतिकृति के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स को खोजने के लिए कौन सा खोलने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है तो हेलिकल विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा तो ये पॉलीमर डीएनए होता है तो यही है विकल्प नंबर ए हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा ये हेलिकल आगे देखें हम लोग इकतीस वाले में क्या है हमारा तो इकतीस वाले में जो हमें दिया है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक ड्राई क्लीनिंग में सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है तो ड्राई क्लीनिंग में सफाई एजेंट के रूप में कौन सा कार्बनिक यौगिक किया जाता है हमारा तो वो ये है परक लोरोथिलीन विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा परक लोरोथिलीन एक कार्बनिक यौगिक है जो डाई क्लीनिंग में सफाई एजेंट के रूप में काम किया जाता है इसका आगे इकतीस वाले बत्तीस वाले में अगर हम लोग देखें बत्तीस वाले में हमसे क्या पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुनशील नहीं है तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो वसा में घुननशील नहीं है तो उसे बताना है तो साथियों विटामिन बी यही हो जाएगा बी एंसोर होगा आपका क्योंकि साथियों विटामिन बी एंड सी ये जल में घुनलशील होते हैं वसा में घुनलशील नहीं है तो जो वसा में घुनलशील होते हैं साथियों वो अधिक होता है विटामिन डी ए ई के ये वसा में है और ये आपके जल में है आगे देखें हम लोग तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर ये तैतीस वाला देखते हैं इसमें जो हमसे पूछा जा रहा है कि सूची एक और दो दिया है हमें पहली सूची पे कुछ फसलों के नाम है और दूसरी सूची में उन फसलों में कौन सी बीमारियां होती हैं वो दिया है तो इसे हमें अच्छे से बताकर मिल बताना है कि कौन सा सेट हमारा सही तैयार सही सेट बन रहा है उसमें हमें बता देना है तो देखें हम लोग अगर पहला वाला देखते हैं तो अनाज की जो फसलें हैं दोस्तों ये अनाज की फसलों में ये कंडवा रोग लगता है तो ये दोस्तों हमारा जो है ये हो जाएगा यहाँ ये कंडवा रोग लग जाता है तिलहन की फसलों में दोस्तों जो है ये जो तिलहन की फसलें होती हैं उसमें टिक्का रोग लग जाता है तो इसमें टिक्का रोग लग जाता है देखे हमारा काम बना कि नहीं ए वाला तीन पर गया ना चाहिए और बी वाला दो पर ए वाला तीन पर बी वाला दो पर तो ऐसा केवल यहाँ है तो बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा तो बी वाला आंसर हो जाएगा हमारा इसका मतलब हम कह सकते हैं ये डी वाला हमारा एक पर जाएगा रोपड़ फसल में ये रोली रोग रखता है और फलीदार फसलों में पीला मोजेक रोग इस हिसाब से हमारा बी हो जाएगा यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कौन में किस फसल में कौन सा रोग लगता है उन सारे डिटेल दिया गया है इसमें तो 34 वाले में हमको क्या दिया है यहाँ पर इसमें भी मैचिंग वाला एक तरह का सवाल है तो भौतिक राशियां एक तरफ है और दूसरी तरफ हमें उनकी मापन की इकाइयाँ दी गई हैं यूनिट्स दिया गया है उनका तो हमें एकदम बहुत सी सिंपल सा प्रश्न है इसमें कोई भी हमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है यहाँ पर लंबाई को मीटर में, में हम लोग माप देते हैं द्रव्यमान को किलोग्राम में विद्युत धारा को एम्पीयर में और उष्मा गति तापमान को केल्विन में तो ये हो जाएगा हमारा ए वाला तीन पर गया बी वाला दो पर सी वाला चार डी ए पर यही हो जाएगा हमारा आगे देखें हम लोग चौतीस में चौतीस तो हो गया पैंतीस देखते हैं तो पैंतीस में हमें जो दिया है यहाँ पर तो कौन सी धातु सबसे अधिक आघात अघातवर्ध्य और तन्न है यानी ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम लोग बहुत अधिक पीट कर बहुत अधिक उसे तान सकते हैं बहुत अधिक फैला सकते हैं तो वो सोना है दोस्तों गोल्ड वही है विकल्प नंबर सी सोना एक ऐसी धातु है जिसे हम लोग पीट पीट कर बहुत ज्यादा उसे पीटा जा सकता है बहुत ज्यादा उसे बढ़ाया जा सकता है अन्य धातुओं को अगर उतना पीट कर बढ़ाएंगे तो टूट जाएंगे आगे देखते हैं यहां पर परिभाषा आघात का दिया गया है तन्यता का दिया गया है तो इसे एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको काम देगा यहां पर आघात वर्धनीयता तन्यता इसकी परिभाषा आगे देखें छत्तीस में सीजियम एरोमेटिकम यहां पर दिया है सीजियम एरोमाइटिकम निम्नलिखित में से किस मसाले का वैज्ञानिक नाम है तो लौंग का नाम है ये विकल्प नंबर सी सीजियम आगे देखें विभिन्न विभिन्न जो है चीजों का जो है वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिया गया है काली मिर्च लहसुन अदरक यहाँ पर जो दिया गया है उसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है कभी कभार ये एग्जाम में पूछ लेता है तो यहाँ पर जो जिंगीबर ऑफी सिलेन तो अदरक का है एलियम सेटिबम जो है लहसुन का है पीपर नाइग्रम ये काली मिर्च का है सीजियम एरोमेटिकम लौंग का और ये करकुमा लौंगा ये हल्दी का है तो सैतीस में हमारा क्या है तो एक तरफ हमें यहां पर कुछ लक्षण या गुड़ दिए दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके कारण दिए गए हैं तो इसे बताकर हमें यहाँ पर सेट में बताना है कि कौन सा सही है तो आंवला में जो कसैलापन होता है वो किसके कारण से होता है इस तरफ हमें यहाँ लक्षण गुड़ दिया दूसरी तरफ उसका कारण दिया कि ये किस कारण से ऐसा होता है तो दोस्तों यही हमें बताना है अच्छे से हम लोग बताते हैं तो यहाँ पर जो हमें दिया है कि लक्षण और उपस्थिति यानी वो तो लक्षण किस कारण से होता है तो आंवला में जो कसैलापन होता है दोस्तों वो होता है हमारे जो है ये ये एक तरह का ये टैनिन एलाइजिक या गैलिक पॉलीफेनोल्स होते हैं उन्हीं की वजह से तो ये हो जाएगा हमारा ये तीसरे पर चला आएगा बेलों में कड़वाहट बादाम में कड़वाहट पपीते में पीला रंग तो पपीते में जो पीला रंग होता है दोस्तों वो ये कैरिकाजेंथिन एक तरह का होता है उससे संबंधित होता है ये जैन वर्णक होते हैं तो डी वाला एक पर होना चाहिए डी वाला एक पर गया और ए वाला हमारा तीन पे होना चाहिए तो ए तीन पर कहां है? केवल यहाँ है तो बी बी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी यही सही है और इस हिसाब से हम अब कह सकते हैं कि हमारा बी वाला जो है वो दो पर जाएगा यानी बेलो में करवाहट यहां पर ये यह चलाएगा और बादाम में कड़वाहट यहाँ पर आगे देखें सैतीस हो गया हमारा यहाँ पर सारी चीजें के दी हो गई है एक बार आप इसे पढ़ लेंगे आगे देखा जाए अगर ये अड़तीस में तो विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी ट्वेल्व के संदर्भ में हमें कथन दिया गया है और उस कथनों को पढ़कर हमें बताना है कौन सा सही है तो पहला वाला वसा में घुनलशील विटामिन है तो यस ये वसा में मैंने पहले अभी आपको बताया था विटामिन बी और सी जो है ये जल में घूमना वाटर में घुलनशील होते हैं वसा में नहीं तो ये वसा में घुलनशील नहीं है तो इस हिसाब से आपका ये तो गलत हो गया क्योंकि विटामिन बी का ही एक रूप है तो एक नहीं होना चाहिए विकल्प में तो कौन सा सही है तो ये नहीं हो सकता विकल्प में ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता यही होगा क्योंकि एलिमिनेशन हमने लगा दिया तो यही हमारा उत्तर होगा इस हिसाब से अब हम कह सकते हैं लाल रत्ते आरबीसी आर की परिपक्वता की आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण करता है बी ट्वेल्व मानव शरीर में इसकी कमी से रक्त पत्ता रोग हो जाता है यस तो दो और तीन सही है केवल अड़तीस में क्या है हमारा उनतालीस में तो उनतालीस में दोस्तों हमें जो पूछ रहे हैं कौन सी राशियां अधीश राशियों की श्रेणी में आती हैं तो राशियां साथियों दो प्रकार की होती हैं अधिस राशियां और सदीश राशियां तो जिसमें दिशा होता है वो सदीश और जिसमें दिशा और परिमाण जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो सदिश जिसमें दिशा नहीं होता है केवल परिमाण होता है वो अदिश अ का मतलब ना होता है तो आप लोग जानते हैं मतलब दिशा नहीं तो ही है तो कोई वेग होगा तो किसी दिशा में ही होगा अधिस राशियों की श्रेणी पूछ रहा है हमसे अदिश यानी जिसमें दिशा नहीं है तो दोस्तों वेग में तो दिशा होता है ये नहीं हो सकता क्योंकि वेग परिवर्तन अगर होता है तो किसी दिशा में ही होता है तो एक नहीं हो सकता तो जहां जहां एक है आप हटा दो वो आंसर नहीं होना चाहिए अब बाकी दूरी दूरी में साथियों दूरी कुछ भी हो सकता है दूरी को कोई दिशा नहीं हो गई यहाँ दूरी तो होगा हमारा आंसर में यानी दो होना चाहिए तो यानी दो होना चाहिए तो दो यहां पर नहीं है दो यहाँ पर है तो यही हमारा आंसर होगा इससे हमने पता पा लिया कि हमारा दो और चार सही होगा बाकी हमें पता हो या न पता हो लेकिन दूरी के बारे में हम जैसे हम लोग कह सकते हैं कहा जैसे ये पांच किलोमीटर मोहन हमसे पांच किलोमीटर दूरी पर है तो किधर है उसकी दिशा यहाँ पर थोड़ी हमें पता चल रहा है तो ये हमारा जो है एक तरह का अधिस राशि दूरी हो गई तो इस हिसाब से हमारा ये केवल सही है यहाँ पर दिया गया है अधिस अध राशियों के बारे में पढ़ लेंगे आप तो चालीस में जो हमसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ऐसा होता है साथियों रासायनिक परिवर्तन जैसे वो केवल एक बार होता है तो उसे दोबारा उससे हम रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं करा सकते तो वही रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है जैसे एक बार दही से दूध से दही बन गया फिर दही से दूध नहीं बनाया जा सकता वो एक रासायनिक परिवर्तन है जैसे एक बार आप पानी से जो है बर्फ बना दिए फिर बर्फ को पेहला आप पानी बना सकते हो तो ये आपका जो है भौतिक परिवर्तन हो गया और इसमें आप एक बार दही से दूध से दही बना दिए बन गया लेकिन आप दही से दूध फिर नहीं बना सकते तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन हुआ तो जंग लग जाता है किसी में ये एक रासायनिक परिवर्तन है पिघलना कोई चीज जब पिघलती है तो जैसे पानी पिघल रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन है जमना कोई चीज जम गया तो वो भी एक तरह का जो है भौतिक परिवर्तन है तो केवल जंग लगना यहाँ पर दोस्तों जो है केवल एक जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन है विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका आगे देखें यहाँ पर दिया है इसके पढ़ लेंगे आप इकतालीस में जो दिया है हमें अच्छा प्रश्न है यहां पर हमें एक तरफ के एसिड दिया है और दूसरे तरफ स्रोत वो एसिड कहाँ पाए जाते हैं कहां से उनका स्रोत क्या है वो दिया है तो एसिटिक एसिड हमें पालूम है ये सिरके में पाए जाते हैं हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ए वाला हमारा चार पे होना चाहिए और ए वाला चार में केवल यहां है और यहां है यहां नहीं है तो इसे आप हटा देंगे सामने से फार्मिक चीटी बिच्छू जो होती है हमें डंक मारती है चीटियां काटती हैं तो वहां पर होता है ये तो विकल्प नंबर ये चीटियों के डंक में होता है तो ये आ जाएगा यहां पर फार्मिक एसिड यहां पर यानी बी वाला एक पर होना चाहिए बी वाला एक पर यहां है तो यही हमारा आंसर होगा सी वाला और आगजेलिक एसिड ये जो है हमारे यह आगजैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है दोस्तों यह पाए जाते हैं हमारे यही बचा है यही एक ये यह यह हो जाएगा ये हो गया अम्ल एक अच्छा हमारा ये सीओ डी बचा है ना तो सी डी हम हमें नहीं आ रहा है तो इसी के हिसाब से हम मिला सकते हैं क्योंकि एलिमिनेशन से हमारा काम बन चुका है तो सी वाला दो पर जाएगा तो सी वाला ये हमारा दो पर जाएगा खट्टे फलों में पाया जाता है और आगजैली ये पालक में हो जाएगा इसका रास्ता ही यही है कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तो यही जाएगा आगे देखें तो बयालीस में क्या है तो बयालीस में जो है हमें वसा फाइट्स के बारे में दिया है वसा से संबंधित कुछ कथन है कथनों को पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही है तो यहां पहला दिया है कि प्रति ग्राम वसा की ये चयापचय प्रक्रिया जिसे हम मेटाबोलिज्म कहते हैं इंग्लिश में तो चयापचय प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा कम ऊर्जा देता है साथियों वसा उस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तुलना में ज्यादा ऊर्जा देती है ये कहां से उल्टा बोल दिया तो ये गलत कह रहे हैं तो ये वाला आपका गलत हो गया दूसरा हम कह रहे हैं वसा त्वचा तो अच्छा के नीचे जमा होकर शरीर को उषमा को बाहर निकलने से रोकती है यस इसलिए ठंड ऊंड में सबको सलाह देते हैं डॉक्टर हाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको थोड़ा दूध वगैरह ज्यादा देंगे तो फैट बनेगा फैट जो है उनकी टेम्परेचर को मेनटेन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है तो उनकी उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है तो दूसरा हमारा सही है सी वाला हमारा सही हो जाएगा आगे अगर हम लोग देखें ये बयालीस में ये बयालीस को तो हो गया ये तिरालीस में तो तिरालीस में जो हमें पूछ रहे हैं तो कथनों पर विचार कीजिए दो कथन है विचार करके हमें बताना है कि कौन सा सही है तो बताइए कौन सा सही है पहला हम लोग पढ़ते हैं समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है तो यस आभासी ही होता है रियल कहाँ से होगा तो ये सही है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है नहीं साथियों वस्तु के आकार के लगभग बराबर होता है तो यहाँ पर ये यह हमारा जो है दूसरा तो गलत हो गया तो सही पूछ रहे हैं तो कौन सा सही है केवल एक सही है ये गलत हो गया तो हमारा उत्तर जो होगा केवल एक एक्सप्लेनेशन में यहाँ देखेंगे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है पर्दे पर प्राप्ति से नहीं किया जा सकता समतल दर्पण बना प्रतिबिंब सीधा होता है वस्तु के समान ही वह बताया ना वस्तु के समान ही उसकी वही साइड ऊपर की ओर हो जाती है यस yes. ये सब बातें लिखी गई हैं तो आगे देखें हम लोग चौवालिस में क्या है तो चौवालीस में दोस्तों में कह रहे हैं एथिलीन का उपयोग किन में या किस में होता है तो एथिलीन का प्रयोग कहा में होता है ये बताना है हमें तो यहां पर दोस्तों एथिलीन का मस्टर्ड गैस बनाने में होता है रबर और पॉलिथीन बनाने में होता है कच्चे फलों को पकाने हम लोग आम आम जो लाते हैं गाँव के अगर आप लोग होंगे तो जो आम को एक मतलब रख कर कहीं स्पेसिफिक जगह पर उसमें रख दिया जाता है कपड़े में बांधकर एथिलीन को वो पकाती है वो वेल्डिंग के रूप में भी इसका होता है निश्चेतक के रूप में भी होता है तो यहाँ डी हो जाएगा उपरुक्त सभी में होता है एथिलीन का प्रयोग तो हो जाएगा हमारा पैतालीस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पैतालीस में से पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है तो कौन सा ढंग से सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर तो एक तरफ हमें खोज दिया है क्या इसका किसका खोज हुआ है ये दिया है और दूसरी तरफ उसके खोज करता दिए गए हैं तो दोस्तों हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन हम लोग खूब पढ़े होंगे ईटा पर नाचे तो इस इलेक्ट्रिक हम लोग खूब पढ़े हैं तो ई जो है वो उसका प्रयोग जो है थॉमसन ने किया है ई था तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन यस और ये न्यूट्रॉन चेडविक यस प्रोटीन का साथियों ये रदर फोर्ड ने किया है गोल्डस्टीन ने नहीं किया है ये रदर फोर्ड ने किया है तो ये हो जाएगा हमारा सी ही गलत है और पॉजिट्रॉन का कार्ल एंडरसन ने किया सब सही है ये सी वाला केवल गलत था आगे हम लोग देखें ४६ में छियालीस मैम से क्या पूछ रहे हैं छियालीस में से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग उड़ती हुई वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है उड़ती हुई ऊंचाई का मतलब कोई उड़ती हुई वस्तु की ऊंचाई अगर मापना होता है तो साथियों उसके लिए हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं विकल्प नंबर ये हो जाएगा अल्टीमीटर आगे देखें छियालीस में छियालीस हो गया सैतालीस में देखते हैं ये सब दिया गया है इसको बारे में एक लाख जरूर पढ़िएगा अल्टीमीटर ये संचायक एरोमीटर एमीटर एनिमोमीटर ऑडिटोमीटर ऑडियोमीटर ये सब दिया गया है हमें एक बार जरूर इसे पढ़िएगा और ऑडियो फोन तो आप लोग यूज ही कर रहे हैं सैतालीस में जो हमें यहां पर दिया गया है तो केशिका क्रिया का सही वर्णन करता है तो नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और जो कथन केशिका क्रिया का सही वर्णन करता है उसी को बता देना है उसी को सही रूप में बताना है तो केशिका के कारण तेल लालटेन या दीपक की बत्ती के ऊपर उठता है साथ ही हम लोग जो एक धागा या कोई रस्सी छोटी सी पतली से लेकर दिया जो हम लोग जलाते हैं वो नीचे उसका जो आयल होता है वो ऊपर चढ़ता है और जलता रहता है वो केशका क्रिया का ही एक उदाहरण है और जैसे हम लोग एक कोई तौलिया ले लेते हैं इतना बड़ा इतना सा भिगो कुछ देर बाद वो बढ़ती चली जाती है दूरी उसकी तो वो भी एक केशका क्रिया का बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपने पढ़ा होगा तो ये सही है जल और आवश्यक लवण पौधों की शाखाओं पत्तियों तक पहुंचाते हैं यस ये भी केशका क्रिया काफी पाउडर जल में बहुत जल्दी घुल जाते हैं तो यस बहुत जल्दी घुल जाते हैं भी इसका उदाहरण है तो यही भी हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ये ये सभी तीन सॉरी ये सभी तीन हो जाएगा ये तीनों सही है क्रिया के संबंध में आगे अगर हम लोग देखें ये अड़तालीस में तो वह उपकरण क्या कहलाता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है एकदम सरल है साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वही आपका जनरेटर जो आपके यहाँ आता है शादी विवाह या कोई फंक्शन होता है तो जनरेटर आप लोगों ने इंजन होता है और डायनमो होता है जनरेटर होता है आजकल तो बहुत मॉडर्न आ रहे हैं जो देसी वाला होता है जो हैंडल मार के चालू किया जाता है उसमें देखेंगे उसमें आधा इंजन होता है और आधा लगभग डायनमो होता है इंजन डायनमो को यांत्रिक ऊर्जा देता है और यांत्रिक ऊर्जा को लेकर डायनमो आपको विद्युत ऊर्जा देता है तो ये डायनमो का काम होता है सी तो डायनमो क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा देता है इसी का उल्टा एक विद्युत मोटर होती है विद्युत मोटर क्या करती है आपको जो है इलेक्ट्रिक लेती है उसके बदले आपको यांत्रिक ऊर्जा देती है जैसे आपको पंखा हो गया पंखा को आप इलेक्ट्रिक देते, इलेक्ट्रिक देते हैं वो आपको जो है यांत्रिक ऊर्जा देती है यानी वो घूमने लगता है तो यही है यहां डायनमो हो जाएगा आपका अड़तालीस में अड़तालीस तो हो गया 49 में क्या है कौन सा सिद्धांत बताता है कि स्टील से बना जहाज जल पर क्यों तैर सकता है तो ये बताया आर्कमिडीज़ का सिद्धांत ने बताया साथियों कोई चीज कैसे तैरेगी उसको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कोई चीज कब जल पर तैरती है कब डूब जाती है यह चीज हमें आर्गमेडिज के सिद्धांत से पढ़ता है। हम लोग ग्यारहवीं में पढ़े थे आगे देखते हैं पचास में यहां पर दोस्तों देखें क्या है एंजाइम एमाइलेज का प्राथमिक कार्य क्या है जो एमाइलेज नाम का एक एंजाइम है इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है कि स्टार्च को सरकरा में तोड़ना विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा आगे देखें यहाँ इक्यावन में इक्यावन में हमें जो पूछा जा रहा है ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर ले रहे हैं आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देंगे तो अच्छे से दिखाई देगा तो यहाँ लेंस और उसके प्रकाशी गुणों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं इन कथनों को पढ़कर हमें बताना है कौन सा हमारा सही है तो देखें तो हम लोग उत्तर प्रकाश को अभिसरित करता है यानी एक जगह पर लाता है सही बात है है जैसे होता ना उसके ऊपर अगर किरणें पड़ती हैं हैं तो एक जगह लाता है जो आप लोग देखते धूप की वजह से आग लगा देते हैं वो उत्तर लेंस की वजह से होता है काफी प्रकाश को इकट्ठा करके एक जगह जो है वो पॉइंट के रूप में दे देता है तो आग लग जाती है ज्यादा टेम्परेचर की वजह से तो वस्तु को फोकल बिंदु पर रखे जाता है या वास्तविक छवि उत्पन्न करता है यह सही बात है लेंस अवतल लेंस हमेशा एक आभासी छवि बनाता है क्योंकि ये प्रकाश किरणों को करता है है। फैलाता तो लेंस इकट्ठा कर देता है और अवतल तो फैला देता है ये भी सही है उत्तर लेंस की फोकल लंबाई धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है यस रंगीन विपथन तब होता है जब लेंस प्रकाश के सभी रंगों को एक ही अभिसरण बिंदु पर केंद्रित करने में विफल रहता है क्योंकि प्रकाश की जो विभिन्न तरंगद है आमतौर पर अलग अलग अपवर्तन सूचकांक देते हैं यस चारों सही है हमारे यहाँ डी हो जाएगा हमारा उत्तर यहां पर आगे देखते हैं हम लोग बावन में बफर विलियन का प्राथमिक कार ये हो जाएगा हमारा बावन यस हम लोग आंसर अच्छा पढ़ रहे हैं बावन में क्या है बफर विलयन का प्राथमिक कार्य क्या होता है तो स्थिर पीएच को बनाए रखना पीएच हमें मालूम है इससे जो है आपकी अम्लता और क्षारता कोई पदार्थ कितना एसिडिक है कितना बेसिक है ये हमें पीएच बताता है अगर सात है तो न्यूट्रल माना जाता है हाँ वो न्यूट्रल ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक और सात से कम जितना है वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा सात से ज्यादा जितना है उतना ज्यादा वो बेसिक होगा तो बफर बिलियन का यही होता है प्राथमिक कार को ओ पीएच को बनाए रखना मेंटेन किए रखना तिरपन में क्या है कौन सी प्रक्रिया अस्थिर नाभिक से कणों या विकिरण के स्वस्फूर्द उत्सर्जन उस का वर्णन करती तो है तो साथियों हम लोग जानते हैं रेडियोधर्मिता जो होती है उसका काम ही ये होता है कि आओ जो है उसमें एनर्जी निकलते रहना नाभिक से उसके जो है विकिरण रेडिएशन निकलते रहना वो रेडियोधर्मिता का ये होता है रेडियोधर्मिता में विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा आगे देखें ये हमारा चौवन में चौवन में हमें क्या कह रहे हैं सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन यहां पर दिया गया है सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था तो सांख्य दर्शन के संबंध में कौन सा कथन हमारा सही है कथनों विचार करके बताइए और जो सही है उसे बताना है इस दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि जी हैं। यस यह अद्वैतवाद में विश्वास रखता है तो नहीं साथियों अद्वैतवाद में नहीं रखता है ये यहाँ तो गलत कर दिया एक तो सही है यहाँ कपिल मुनि ही, ही इसके संस्थापक हैं और ये है तो यही है इसमें लेकिन यह अद्वैतवाद में विश्वास नहीं रखता है ये यह बात यहाँ पर गलत हो गई तो दूसरा यह भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है ये दूसरा सही है हमारा तो विकल्प नंबर हमारा चौवन का ये दूसरा हो जाएगा तो यहाँ पर वो दिया गया होगा यह अद्वैतवाद में नहीं बल्कि द्वैतवाद में विश्वास रखता है आगे देखें बचपन में यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल दिया गया है हमें एक बौद्ध संगीति दिया गया है यहाँ पर तो बौद्ध संगीति चार बौद्ध संगीतियां हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी ये दिया है मिलाना है हमें प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी दोस्तों वो महाकश्यप की अध्यक्ष शासन काल में हुई थी यहाँ पर ये तो शासन काल यहाँ पर नहीं है यहाँ पर इसे दिया देना चाहिए था यहाँ पर किसकी अध्यक्षता में तो यहाँ पर ये यह गलत दे दिया है तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो महाकश्यप की अध्यक्षता में ये दो हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो शब कामी की अध्यक्षता में यहाँ हो जाएगा ये और चौथी तो आप लोग जानते हैं ये कुशाण वंश के शासक के जो है कनिष्क के शासन काल में वसुमित्र के अध्यक्षता में ये हो जाएगा और बचा हमारा ये तीसरा वाला इसका तो यही रास्ता है यही जाएगा तो इस हिसाब से हमारा डी वाला एक पर होना चाहिए सी वाला चार पर होना चाहिए और ये हमारा बी वाला जो है वो तीन पर होना चाहिए तो सी वाला हमारा आंसर होगा यही आगे देखें तो सारी चीजें यहाँ दी गई है तो छप्पन में संगम वंश के संबंध में निम्नलिखित राजाओं को उनको शासनकाल में व्यवस्थित कीजिए तो संगम वंश के शासक काल में उनके राजाओं के शासन काल कौन से राजा कब शासन किए तो उसको एक क्रम में सजाना है हमें तो हरिहर बुक्का ऐसे आप लोग देखे होंगे ना खूब पढ़े होंगे इसके बारे में तो बुक्का प्रथम बुक्का प्रथम के बाद आया ये हमारा जो है ये विरूपाक्ष प्रथम उसके बाद आया ये देवराय द्वितीय और उसके बाद आता है अंत में मल्लिकार्जुन तो ये बी वाला हमारा होगा ये यही इनके शासन करने का क्रम है यहाँ पर दिया होगा उसका डेट पूरा यहाँ देख लीजिए तो संगम वंश के राजा हुए उनके शासन काल हरिहर पुक्का ये दोनों भाई थे तो इस हिसाब से हमारा ये पूरा है यहाँ पर सत्तावन में ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन कथनों पर किन स्थानों पर लोगों ने नमक कानून तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शन किया तो महाराष्ट्र कर्नाटक असम ये कहाँ पर तो महाराष्ट्र में नहीं था कर्नाटक असम मध्य भारत तो ये आपका जो है हमारा ये डी हो जाएगा महाराष्ट्र में नहीं था तो महाराष्ट्र में नहीं था तो कहाँ हो जाएगा दो तीन चार ये ये छो 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 महाराष्ट्र में भी था दोस्तों ये मेरी गलती हो गया क्योंकि में यहां दिया है तो महाराष्ट्र में भी था तो महाराष्ट्र कर्नाटक असम मध्य भारत ये चारों जगह पर था तो आपका जो आंसर होना चाहिए सत्तावन का वो डी हो जाएगा देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिए गए हैं तो महाराष्ट्र में क्या है तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग एक बार अट्ठावन में क्या है भगवती सूत्र जैन साहित्य भगवती सूत्र अब जानते हैं एक तरह का जैन साहित्य है और निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है तो महावीर के जीवन व चौदह महाजनपदों का उल्लेख है महाजनपद में महाजनपदों का जो चौदह सोलह महाजनपद है उसका उल्लेख है जैन साहित्य भगवती सूत्र में ये हो जाएगा डी हमारा और अट्ठावन में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो उनसठ में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था तो गोत्र शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम हुआ था वो हुआ था यहाँ पर दोस्तों ऋग्वेद में विकल्प नंबर ए आगे अगर हम लोग देखें साठ में तो साठ में हमारा जो पूछ रहा है तो साठ में यहाँ पर जो हमें दिए गए हैं टोडरमल ने एक दो कथन दिए गए हैं कथनों में से बताना हमें कौन सा सही नहीं है तो जो सही नहीं है उसी के बारे में बताना है तो टोडरमल ने दहशाला व्यवस्था की स्थापना की जो भू राजस्व प्रणाली का एक नया रूप था यस पहला तो हमारा सही है लेकिन हमें उसको बताना है जो गलत है तो दूसरा वाला देखते हैं टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में हुआ था यस दूसरा वाला जो है आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा ये दूसरा वाला गलत हुआ पहला सही है तो जो दूसरा गलत है तो डी वाला हमारा आंसर होगा क्योंकि यही गलत पूछा तो दूसरा ही गलत है तो टोडरमल यहाँ दिया है टोडरमल के बारे में इसका उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के लहरपुर गांव में जन्मे टोडरमल ने मुगल कालीन इतिहास में महान हता हासिल किया था उन्होंने दहसाला बस्ती की स्थापना की जो भू राजस्व प्रणाली का एक नया रूप था तो दोस्तों हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर ये साठ तक देख लिए हैं वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए यहाँ पर हम लोग इसको यही रोकते हैं आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना जो है ओपिनियन जरूर दीजिएगा इसके बाद हम लोग इसके जस्ट बाद ही इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे जो इसके सारे क्वेश्चन को कवर करा देगा जो सारे के सारे करेंट जीएस से संबंधित हैं मोस्ट अपडेटेड सवाल हैं तो दूसरा पार्ट का आप लोग इंतजार करिएगा जस्ट इसी के बाद अपलोड किया जाएगा जब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार